खबर यूपी के मुरादाबाद जनपद से, जहां एनएच 9 एसेट टोल प्लाजा पर किसान यूनियन एकता शक्ति के लोगों की दबंगई का मामला सामने आया है। दबंगों ने टोल प्लाजा पर जमकर तांडव मचाया। पुलिस ने टोल कर्मी की तहरीर पर 9 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह तस्वीरें हैं मूढ़ा पांडे थाना क्षेत्र स्थित एनएच 9 एसेट नियामतपुर इनायतपुर टोल प्लाजा के। टोल प्लाजा पर 20 से 25 लोग गले में हरा गमछा डालकर पहुंचे और दबंगई दिखाते हुए बिना टोल दिए गाड़ियों को पास कराने लगे। टोल कर्मियों द्वारा मना करने पर मारपीट करने के साथ साथ टोल पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। एफआईआर के मुताबिक टोल कर्मियों ने आरोप लगाया है कि आए दिन ये लोग टोल प्लाजा पर आकर दबंगई दिखाते हैं। इस बार भी आरोपियों ने टोल फ्री करा दिया, जिससे टोल का 40 से 45 हजार रुपए का नुकसान हुआ। टोल कर्मी का आरोप यह भी है कि दबंगों ने सफाई कर्मी को जाति सूचक शब्द भी बोले हैं और टोल कर्मी की जेब से 1,310 रुपए भी छीन लिए हैं। पुलिस ने टोल कर्मी की तहरीर पर 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द ही जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अभय केसरी, मुरादाबाद। देखिए, थाना मुढ़ा पांडे में एक हाईवे पर टोल है। उस टोल पे कल लगभग 11 बजे 20-25 लोग आए और उन लोगों ने अपनी गाड़ी वहाँ से निकालनी चाहिए और इनका हमेशा ही कहना होता है कि बिना शुल्क दिए हम यहाँ से जाएंगे। उस बात पे टोल कर्मियों के साथ इन लोगों ने अभद्रता की, मारपीट की और उसके बाद इन लोगों ने टोल को फ्री करा दिया। लगभग 70-80 गाड़ियाँ वहाँ से निकल गई। इसके संदर्भ में एक कल थाना मुढ़ा पांडे पे अभियोग पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में और इसमें 9 लोग नामजद किए गए थे और लगभग 20-25 लोग इसमें अन्य लोग थे। इन लोगों के विरुद्ध हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको जेल भेजा जा रहा है और जो बाकी इसमें हैं ये लोगों को भी हम लोग बहुत जल्दी गिरफ्तार करेंगे। कुछ अन्य जो उसमें अज्ञात लोग हैं उनकी हम लोग आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में लगे हुए हैं। इनफैक्ट ये